हेलो फ्रेंड्स, मैं इंग्लिश सौ पाठक चैनल से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं वोकैब के बारे में, ठीक है। हम वोकैब को पढ़ रहे हैं और हमने वोकैब की कितनी सीट पढ़ चुकी है, हम पढ़ चुके हैं वोकैब की 6 सीटें। 6 सीट को हम पढ़ चुके हैं और एक सीट में हमने 25 वर्ड पढ़े हैं। इस हिसाब से कितने टोटल हमारे ये वर्ड हुए, इस हिसाब से हमारे जो वर्ड हुए वो हमारे कितने हुए, 150 हमारे वर्ड्स हुए, ठीक है। और उनकी हम मीनिंग भी पढ़ रहे हैं और उस वर्ड के अंदर जो हमारी मीनिंग है या फिर हम कह लें साइनोनिम, तो वो कितने हैं, वो कम से कम मतलब उसमें किसी किसी वर्ड में 2 हैं, किसी किसी वर्ड में 3 हैं। तो इस हिसाब से आप सोचिए कि 150 तो खाली हमारे वर्ड हैं, लेकिन अगर उसकी मीनिंग को हम लें तो वो कितने वर्ड्स चले जाते हैं, वो कितने सारे वर्ड्स हो जाते हैं। फ्रेंड्स, तो ये बहुत ही अच्छी टेक्निक है। अगर आप एक दिन में 25 वर्ड को लर्न करते हैं, ठीक है, तो आप अच्छे से अच्छे वर्ड को लर्न कर पाएंगे और अच्छे से अच्छे वर्ड को याद रख पाएंगे। और फिर मैं क्या करवा रहा हूँ, मैं उस वर्ड को रिवाइज़ भी करवा रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे क्या दिया है आपको, यहाँ पे मैंने एक रिविज़न सेट दिया। हमने जो भी 3 सेट में वर्ड पढ़े थे उसी वर्ड को मैंने यहाँ पे लिखा है और उसकी मीनिंग को लिखा है, तो आप इसे मार्क करने की कोशिश करिए, ठीक है। अगर आपने पढ़ा है वो 3 सीट को जो हमने पिछले वीडियो में बनाई थी, अगर आपने पढ़ा है तो आप इस सीट को मार्क कर सकते हैं, मतलब आप इस सीट को रिवाइज कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं, आप इसे मार्क करते जाइए, ठीक है। मैंने यहाँ पे 15 वर्ड को लिखा है। फ्रेंड्स, उम्मीद है आपने मार्क कर लिया होगा। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसके आंसर को आपको दिखाते हैं, ठीक है। ये इसके आंसर्स हैं। जब मैं पेज को आगे बढ़ाता जाऊँ ना, तो आप वीडियो को पॉज किया करिए और उसके बाद जो भी वर्ड है उसके नीचे अपने मीनिंग को मार्क किया करिए, ठीक है। तो हमने पढ़ा था एनिक्विटस को। एनिक्विटस का मतलब क्या होता है, एनिक्विटस का मतलब होता है अनफेयर एंड विकेड, मतलब जो जालसाजी है या अन्यायिक तरीके से काम करता है उसी को हम बोलते हैं बुरा। डिस्क्रीट, डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है, प्रूडेंट, मतलब एबिलिटी टू जज, जिसके अंदर क्या हो, सही या गलत की एबिलिटी हो जज करने की, उसी को हम बोलते हैं। डिफायंस, डिफायंस को हमने पढ़ा था, इसका मतलब क्या होता है, ओपनली रिफ्यूज्ड। ग्रबी का मतलब क्या होता है, डर्टी, ठीक है। टेम्प्ट, टेम्प्ट का मतलब क्या होता है, परसुएड, लालच होता है, ठीक है। कोरोबरेट, कोरोबरेट का मतलब क्या होता है, कंफर्म करना। एसिडुअस, एसिडुअस का मतलब क्या होता है, एसिडुअस का मतलब होता है केयरफुल। मैंने इसको याद करवाया था कि ऐसी दुआ करो कि मैं केयरफुल हो जाऊं, ठीक है, मैं सावधान हो जाऊं। लोथ, लोथ का मतलब हमने पढ़ा था, क्या होता है, लोथ का मतलब होता है, लोथ का मतलब क्या होता है, अनविलिंग, हेट्रेड जिसे हमने कहा था। आर्टिफिस, इस आर्टिफिस का मतलब क्या होता है, जो छल करता है, ट्रिक। एरोगेट, एरोगेट का मतलब क्या होता है, यूजर्प, यूजर्प क्लेम, जो दावा करता है। इनेब्रिएट, इनेब्रिएट मतलब क्या होता है, इनेब्रिएट मतलब होता है ऑफ एंड ड्रंक, जो क्या है, ओल्ड फैशनड है। ब्रैट, ब्रैट मतलब क्या होता है, रूड चाइल्ड। इंडिजेंट, इंडिजेंट का मतलब क्या होता है, इंडिजेंट का मतलब होता है पेनीलेस, ठीक है। स्कैब्रस, स्कैब्रस का मतलब क्या होता है, स्कैब्रस का मतलब होता है सॉकिंग। डिफर, डिफर का मतलब होता है डिले,
जो मतलब जो चीज़ डिले हो जाए, पोस्टपोन हो जाए, उसको हम बोलते हैं डिफर। इनडिजेंट का मतलब क्या होता है, हमने पढ़ा था ना, पैनीलेस मतलब बिना खर्चे का, या जिसके पास पैसा ना हो। मैंने बताया भी था कि ये जो वर्ड है ये मतलब फॉर्मर के लिए यूज़ किया जाता है अक्सर, और कहीं भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये अक्सर फॉर्मर के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, मतलब जो इकोनॉमिक वीक हो उसके लिए। उम्मीद है दोस्तों आपने मार्क किया होगा और आपके 15 वर्ड्स जो थे वो पूरे सही हुए होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं वोकैब सेट 7 की। हमें पता है मेडिकामेंट मतलब क्या होता है, पैनासिया या फिर क्योर ऑफ ऑल डिसीजेज। जहाँ पे भी मेडी शब्द आ जाता है इसका मतलब क्या होता है, वो दवाई से संबंधित होता है, दवा से संबंधित होता है। तो मेडिकामेंट मतलब क्या होता है, पैनासिया, क्योर ऑफ ऑल डिसीजेज मतलब सभी बीमारियों की क्या, सभी बीमारियों का इलाज। एब्जोर, एब्जोर मतलब क्या होता है, रिनाउंस, रिनाउंस का मतलब क्या हुआ, त्याग देना। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं एब्जोर। कोई भी चीज़ मान लीजिए बुरी है, आपने उसे त्याग दिया, तो उसी को बोलते हैं डिवाइंडल। डिवाइंडल का मतलब होता है डिक्रीज ग्रेजुअली, क्रमानुसार घटना। विजनरी, विजनरी मतलब होता है अनप्रैक्टिकल, विजनरी मतलब होता है दूरदृष्टि, मतलब जिसकी दूरदृष्टि होती है, जो बहुत जो अपने मन में ख्याली पुलाव बनाता है, बहुत दूर की सोचता है, जो बहुत दूर की सोचता है लेकिन वो है क्या, अनप्रैक्टिकल है। ठीक है, इसलिए इसका मतलब होता है अनप्रैक्टिकल। चेयरलेस, इसे हम पढ़ते हैं चेयरलेस। ठीक है, इस चेयरलेस का मतलब क्या होता है, इल टेम्पर्ड, बुरिस मतलब जिसके पास क्या हो, मेडिकामेंट। फिर से एक बार हम इसको समझ लेते हैं, मेडिकामेंट मतलब क्या होता है, पेनासिया, क्योर ऑफ ऑल डिसीजेस। हमें पता है कि जहाँ पे भी मेडी शब्द आ जाता है उसे वो किससे संबंधित होता है, वो दवा से संबंधित होता है। ठीक है, तो इस मेडिकामेंट का मतलब क्या होता है, पेनासिया या फिर क्योर ऑफ ऑल डिसीजेस, सभी बीमारियों का इलाज। एब्ज्योर, एब्ज्योर मतलब क्या होता है, रिनाउंस, त्याग देना, मतलब कोई भी चीज़ जो मतलब बुरी आपको लग रही है आपने उसको त्याग दिया। डिवाइंडल, डिवाइंडल का मतलब क्या होता है, डिक्रीज ग्रेजुअली, क्रमानुसार घटना। विजनरी, विजनरी का मतलब होता है अनप्रैक्टिकल, विजनरी का मतलब होता है दूरदृष्टि, मतलब कोई भी पर्सन जिसकी बहुत दूरदृष्टि है, जिसकी मतलब वो बहुत दूरदर्शी है, बहुत दूर की सोचता है, लेकिन वो जो भी सोच रहा है वो अनप्रैक्टिकल है, इसीलिए इसका मीनिंग हुआ अनप्रैक्टिकल। चेयरलेस, चेयरलेस मतलब क्या होता है, चेयरलेस मतलब होता है इल टेम्पर्ड या फिर बुरिस। मतलब जो असभ्य हो, जैसे गवार कहते हैं ना उसको, उस टाइप का, जो असभ्य हो, थोड़ी थोड़ी बात पे भड़क जाता हो। रिप्यूडिएट, रिप्यूडिएट का मतलब होता है रिफ्यूज, मतलब किसी को किसी काम के लिए मना करना, उसे को हम बोलते हैं रिप्यूडिएट। रेसिंड, रेसिंड मतलब क्या होता है, कैंसल, एब्रोगेट या रिवोक, रद्द करना या निरस्त करना। जैसे अगर मैं कहूँ द डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन हैज़ रेसिंडेड स्टूडेंट एडमिशंस, ठीक है, तो ये इसका क्या है, सेंटेंस में यूज़ है। डिसकंसर्ट, डिसकंसर्ट का मतलब होता है टू अपसेट और एम्बेरस, जब आप किसी को शर्मिंदा करते हैं, किसी को अपसेट करते हैं, तो उसी को बोलते हैं डिसकंसर्ट। डिसकॉन्सोलेट, डिसकॉन्सोलेट का मतलब होता है अनहैप्पी। डिस्क्रीट, DISCRET, इसका मतलब क्या होता है, सेपरेट और डिस्टिंक्ट। ये जो DISCRET है, यहाँ पे CRET है, इसका मतलब क्या होता है, सेपरेट और डिस्टिंक्ट। लेकिन हमने एक डिस्क्रीट को और पढ़ा था, और ये डिस्क्रीट जो होता है वो एजेक्टिव होता है। हमने पिछली वीडियो में एक डिस्क्रीट को और पढ़ा था, वो उसकी स्पेलिंग क्या होती है, DISCRET, इसका मतलब क्या होता है, केयरफुल, प्रूडेंट, ठीक है, और कॉशियस, प्रूडेंट एबिलिटी टू जज, और कॉशियस मतलब सावधान। ये हमने पढ़ा था, DISCRET इसकी स्पेलिंग होती है। इस डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है, सेपरेट या डिस्टिंक्ट। ठीक है, डिस्क्रिपेंसी मतलब होता है डिफरेंस, फेल्योर टू एग्री, मतलब आप जिस जब किसी बात पे सहमति देते हैं, ठीक है, सहमति नहीं देते हैं, जब आप किसी बात पे सहमति दे नहीं देते हैं, या फिर किसी बात को किसी बात से सहमत नहीं होते हैं, उसी को हम बोलते हैं डिस्क्रिपेंसी। प्रिजम्पचुअस, प्रिजम्पचुअस का मतलब होता है टू बोल्ड,
मतलब बहुत बहादुर, जैसे बाहुबली का प्रेजम्पटुअस कैरेक्टर, ठीक है। इसको हम इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ओवर विनिंग मतलब होता है शोविंग एक्सेसिव कॉन्फिडेंस, जिस जो एक्सेसिव कॉन्फिडेंस दिखाए उसी को हम बोलते हैं ओवर विनिंग, WEANING। फोर्ट मतलब क्या होता है, अ थिंग दैट डज नॉट दैट डज पार्टिकुलरली वेल। इस फोर्ट का मतलब क्या होता है, ऐसी कोई चीज़ जो अच्छे काम के लिए यूज़ की जाती है उसको बोलते हैं अ थिंग दैट डज पार्टिकुलरली वेल, एक ऐसी चीज़ जो अच्छे काम के लिए यूज़ की जाती है। चिंक का मतलब क्या होता है, क्रैक। जैसे अगर मैं कहूँ कि कोई दीवार है, ठीक है, मान लीजिए ये दीवार है और बीच से क्रैक कर गई, तो जब बीच से क्रैक कर गई तो हमें क्या, हमें उस तरफ की चीज़ें सारी दिखेंगी उस क्रैक से, उसी को हम बोलते हैं चिंक। सीसी, सीसी का मतलब क्या होता है, बॉय लैकिंग द क्वालिटीज ऑफ बे, मतलब ऐसा बॉय जिसके अंदर बॉय की क्वालिटी नहीं है, या फिर दूसरे तरीके से समझे जो सिस्टर की तरह बिहेव करे उसी को हम बोलते हैं सीसी, कह सकते हैं। एल्यूड, एल्यूड का मतलब क्या होता है, टू मेंशन इनडायरेक्टली, मतलब किसी भी चीज को आप डायरेक्ट न कहकर उसको इनडायरेक्टली बताने की कोशिश कर रहे हो, मतलब घुमा फिरा के उसे बता रहे हो, उसी को हम बोलते हैं एल्यूड। इसी का नाउन होता है एल्यूजन, मतलब इनडायरेक्ट रेफरेंस, किसी भी चीज़ का आप इनडायरेक्ट रेफरेंस दे रहे हो, डायरेक्ट नहीं, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं संकेत या इशारा। इन्फ्रैक्शन, इन्फ्रैक्शन का मतलब होता है वायलेशन, खंडन या उल्लंघन। जॉर्ज, GORG, ये नाउन की तरह यूज़ हो रहा है और इसका मतलब होता है नैरो वैली विद वाटर फ्लोइंग, ठीक है, मतलब नैरो वैली जो होती है जिसमें वाटर फ्लो हो रहा हो, मतलब ऐसी वैली, ऐसी नैरो वाली वैली जिसमें वाटर फ्लो हो रहा है उसी को हम बोलते हैं जॉर्ज। लेकिन अगर हम बात करें जॉर्ज जब वो वर्ब की तरह यूज़ होता है तो इसका मतलब होता है टू ईट अ लॉट ऑफ फूड, ठीक है, जब वो वर्ब की तरह यूज़ होगा तो उसका मतलब होगा टू ईट अ लॉट ऑफ फूड। प्री एमिनेंट, प्री एमिनेंट का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग, ठीक है। अगर हम बात करें एमिनेंट की तो एमिनेंट का मतलब होता है एक्सपर्ट, जो जाना माना हो, तो बात करें हम प्री एमिनेंट की, इसका मतलब हुआ जो बहुत ज़्यादा जानकार हो, ठीक है, ये एमिनेंट से ऊपर है, जो बहुत ही ज़्यादा जानता हो उसको हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग। प्रीपोंडरेंस, प्रीपोंडरेंस का मतलब क्या होता है, अगर हम बात करें पॉन्डर की तो इसका मतलब होता है गहन चिंतन करना, ये हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो प्रीपोंडरेंस का मतलब क्या हुआ, किसी दूसरे इंसान से पहले गहन चिंतन करना या गहन विचार करना, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं प्रीपोंडरेंस। ग्रेटर देन अदर्स इन अमाउंट, इन्फ्लुएंस और इम्पोर्टेंस। प्री एम्प्ट, इसका मतलब क्या होता है, प्रिवेंट, और प्रिवेंट का मतलब हमने क्या पढ़ा था, फोरस्टॉल, ठीक है, हमने पढ़ा था ना पिछले वीडियो में, फोरस्टॉल मतलब किसी चीज़ को रोकना, बाधा उत्पन्न करना। जिंगोइज्म, जिंगोइज्म का मतलब होता है, इसको हम पढ़ते हैं जिंगोइज्म, जिंगोइज्म का मतलब होता है एक्सट्रीम बिलीफ दैट वंस ओन कंट्री इज बेस्ट, मतलब अपने माइंड में ये रखना कि हमारी कंट्री क्या है, बेस्ट है, मेरी कंट्री जो है बेस्ट है। एक्सट्रीम बिलीफ मतलब कुछ ज़्यादा ही बिलीफ हो रख रहा है कि मेरी कंट्री क्या है, बेस्ट है। अब ये सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, ये जो बात है वो सही भी हो सकती है, सही वे में भी यूज़ हो सकती है और गलत वे में भी यूज़ हो सकती है, ठीक है, हम कुछ कह नहीं सकते। जैसा सेंटेंस में यूज़ होगा वैसे हमें समझना होगा। वैसे जिंगोइज्म का मतलब होता है एक्सट्रीम बिलीव दैट वंस ओन कंट्री इज़ बेस्ट। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है, ये 25 वोकैब है, आप इसे लर्न कर लीजिएगा। आप चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड में शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।